नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी महीने यानी कि 40वें सप्ताह के पहले और 36वें सप्ताह के बाद आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है। और दोस्तों, नॉर्मली लेबर पेन स्टेज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले स्टेज में सर्वेक्स ओपन होता है, दूसरे स्टेज में बेबी बॉर्न होता है और तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। लेबर के चरण विभिन्न प्रकार के होते हैं और सभी महिलाओं में इसका अनुभव थोड़ा अलग भी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेबर पेन स्टेज यानी कि लेबर पेन के 3 भागों के बारे में बताऊंगी, ताकि आप आसानी से लेबर पेन के दौरान होने वाली प्रक्रिया को समझ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं लेबर पेन के पहले स्टेज के बारे में। लेबर पेन स्टेज या फिर लेबर पेन के पहले चरण में आपके साथ क्या होता है, आपका सर्वेक्स ओपन होना शुरू हो जाता है। इस दौरान आपका सर्वेक्स यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है और बच्चे को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को सोचकर आश्चर्य हो जाता है कि बच्चे का बड़ा सिर कैसे छोटी सी वजाइना से यानी कि योनि से बाहर आएगा, लेकिन यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेबर पेन के फर्स्ट स्टेज में ही आपके गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका सर्वेक्स करीब 6 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस समय आपको संकुचन कम महसूस होता है, लेकिन पेट में समस्या महसूस हो सकती है। लेबर पेन का जो पहला स्टेज होता है, कुछ महिलाओं को 1 घंटे के लिए होता है, कुछ महिलाओं को 2 घंटे के लिए, कुछ महिलाओं को 10 घंटे के लिए, और कुछ महिलाओं को लेबर पेन का पहला स्टेज पूरे 1 दिन तक भी हो सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता कि लेबर का फर्स्ट स्टेप आपका कितना देर तक चलेगा, लेकिन पहली डिलीवरी है तो लंबा चल सकता है, सेकंड थर्ड है तो थोड़ा कम भी चल सकता है। और हम जानते हैं कि लेबर पेन के फर्स्ट स्टेज में आपके साथ क्या क्या होता है, जिसे क्या पहचान सकते हैं, क्या क्या लक्षण आपके शरीर में नज़र आते हैं। तो सबसे पहला है म्यूकस डिस्चार्ज होना, जिसे कि सो कहते हैं। यह वाइट कलर का होता है, जैसे कि आपके नाक से बलगम बाहर आता है ना, उस टाइप का होता है दिखने में। और इसमें गुलाबी रंग की धारियां हो सकती हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की धारियां हो सकती हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा जो म्यूकस प्लग बाहर आ गया है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इस समय आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और आपको जो है पीरियड के जैसा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पीरियड में दर्द होता है ना, ऐसा ही दर्द होना आपका स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ही दर्द आप महसूस करने लग जाती हैं। इसके अलावा आपको लो बॉबल मोशन हो सकता है, यानी कि आपके जो पाचन की शक्ति है थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। और कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनकी पानी की थैली भी फट जाती है और धीरे धीरे करके उनका पानी का रिसाव भी होने लग जाता है। पानी की थैली के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि आपका बच्चा रहता है, एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं, वो कुछ महिलाओं का फट जाता है और धीरे धीरे करके पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ महिलाओं के 12 घंटे तक पानी बाहर आता है, कुछ महिलाओं को 24 घंटे आता है। और पानी बाहर आने के बाद बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन स्टार्ट होता है। कुछ महिलाओं को लेबर पेन पहले स्टार्ट होता है और पानी की थैली बाद में फटती है। तो एक ये लक्षण है। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर ब्रेक हुआ है उसका जो पानी है वो गुलाबी रंग का होना चाहिए। अगर पानी का रंग हरा है या फिर लाल है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो है उल्टी महसूस होना। दोस्तों, इसके अलावा कुछ महिलाओं को इस समय जो है दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको भी बॉबल मोमेंट महसूस होता है तो आपको तुरंत वॉशरूम जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, क्योंकि आपका शरीर जो है डिलीवरी के लिए आपको तैयार करता है। तो हो सकता है कि कभी आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन करे, कभी आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, कभी बहुत दुखी हो जाओगे, कभी घर के काम करने लग जाओगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कभी आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो आपका जो माइंड भी थोड़ा चेंज होता रहता है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए इस समय कि सावर लेना चाहिए, गुनगुने पानी से सावर लीजिए, नहा लीजिए गुनगुने पानी से और आराम कीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो आप इस समय थोड़ी बहुत मालिश करवा सकती हैं, इससे भी आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, नॉर्मली आपको फर्स्ट स्टेज में ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इस समय आपको अपनी बॉडी को टाइट नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल आराम वाली अवस्था में छोड़ देना है। इसके अलावा जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो आप इस समय चाहें तो आप नहा सकती हैं गुनगुने पानी से, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इस समय
तो आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपकी घबराहट कम हो जाए। म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनों से बात कीजिए, टीवी देख सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकती हैं, लेकिन अपनी घबराहट को दूर करें, अपनी टेंशन को दूर करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं एक्टिव लेबर पेन की, यानी कि लेबर पेन के सेकंड स्टेज के बारे में। तो दोस्तों, जब आपका एक्टिव लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो इस दौरान आपका जो सर्वेक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। अब आपका जो संकुचन है वो तेज गति से होना शुरू हो जाता है। अर्ली स्टेज में अगर वाटर ब्रेक नहीं हो पाता है तो एक्टिव स्टेज में वाटर ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, और इस समय आपके पानी की थैली फट जाती है और एकदम सही सारा पानी बाहर आ जाता है। बाकी इस समय यदि आपको कुछ भी परेशानी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि इस समय आपके साथ क्या हो रहा है वो केवल आप जानती हैं, तो आप ही अपने डॉक्टर को अच्छे से बता पाएंगी। तो कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, अपने डॉक्टर से शेयर करें। अब जानते हैं कि एक्टिव लेबर पेन कब तक रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेबर का जो फर्स्ट स्टेज होता है, यानी कि अर्ली लेबर पेन होता है, वो एक घंटे तक रह सकता है या फिर एक दिन तक भी रह सकता है, और एक्टिव लेबर पेन जो है 4 घंटे तक रह सकता है या फिर उससे ज़्यादा देर तक भी रह सकता है, ठीक है। और इस समय आपका सर्वेक्स काफ़ी पतला हो रहा होता है, मतलब ये कि आपका सर्वेक्स यानी कि बच्चेदानी जो है बच्चे को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अब जानते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो इस समय आपको एक ही पोजीशन में नहीं रहना है, अपने पोजीशन को चेंज करते रहना है, और आप चाहें तो संकुचन के दौरान थोड़ी बहुत मालिश करवा सकती हैं, इससे भी आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेबर पेन के दौरान आप हैवी फूड ना लें, हल्का फुल्का खाना ही खाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन हो, तो अगर आप हैवी खाएंगी तो सिजेरियन डिलीवरी में दिक्कत आएगी, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस समय आप जितना हल्का खाना खाएंगी आपके पेट पे उतना ही जोर कम पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से बेबी को डिलीवर कर पाएंगी। इसलिए बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाइए, और जहाँ तक हो सके आप जूस वगैरह पीजिए तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस दौरान संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत तेज़ी से आते हैं, जो कि 60 से लेकर 90 सेकंड तक रहते हैं, और आपको जैसे ही संकुचन होता है डॉक्टर आपको उसी समय पुश करने के लिए कहते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर कहते हैं कि पुश करो तो पुश करो, या फिर आपको जब भी संकुचन स्टार्ट हो जाता है तो आप उस समय पुश कर सकती हैं। यदि आप सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन होने से पहले ही पुश करना स्टार्ट कर देंगी तो इससे आप थक जाएंगी और आपके सर्वेक्स में सूजन भी आ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है, आप डिलीवरी रूम के अंदर चले जाते हो, तभी आपको पुश करना है। और दोस्तों, आप कई बार पुश करेंगे, इसके बाद क्या होगा कि आपके बच्चे का जो सिर है वो बर्थ केनाल से बाहर आ चुका होता है, और उसके बाद यह प्रक्रिया ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, केवल आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर ही यह प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। जब आपका बेबी बाहर आ जाता है तो उसके बाद आपके लेबर का थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड स्टेज में यानी कि फाइनल स्टेज में आपके साथ क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है पूरी तरीके से बर्थ केनाल से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस दौरान डॉक्टर बच्चे और माँ दोनों को पूरी तरीके से एग्जामिन करते हैं। थर्ड स्टेज में 2 तरह के मैनेजमेंट को अपनाया जाता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। फिजियोलॉजिकल थर्ड स्टेज में माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन अटैचमेंट होता है, ये करीब आधे से 1 घंटे का समय लेता है। फिर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है। इसके बाद है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन के हेल्प से माँ के पेट में होने वाले दर्द को कम किया जाता है। इसके अलावा यदि डिलीवरी के दौरान आपको कट आया है तो डॉक्टर टाका लगा देते हैं, और उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों देखो, नॉर्मली सभी महिलाओं के डिलीवरी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली जो मैंने बताया है वही होता है, 3 स्टेज ही होते हैं। किसी किसी महिलाओं को कम समय तक दर्द होता है, किसी महिलाओं को ज़्यादा समय तक दर्द होता है, ज़्यादा समय तक लेबर पेन रह सकता है, तो वो तो सभी महिलाओं में अलग अलग होता है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।